নতুন সকাল, নতুন দিন, ফিরে এলাম আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। এটা ছিল লেইতে আমাদের প্রথম দিনের সকাল, আর আমাদের রুমটাও অসাধারণ সুন্দর ছিল। কিন্তু আর যে গেস্ট হাউসে আমরা ছিলাম তার বাইরেটাও বেশ সুন্দর। লেই সাইটসিইংয়ের জন্য বেরিয়ে সবার প্রথমে আমরা গেলাম হল অফ ফেম দেখতে। এটা এখানের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা, আর এখানে টিকিট কাউন্টারে টিকিট কাটলে পরে একই সাথে সন্ধ্যাবেলায় জোরাবার ফোর্টে যে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটা হয় সেখানের টিকিটটাও পাওয়া যায়। এক্সকিউজ মি স্যার, আপ লোগো এক্সপ্লেইন সুন না, ইধার আকে ফোন কর সকতে হো স্যার, প্লিজ। বার বার বোলা ওর পক্ষে তে নেবে নেই সুন না, ইধার আকে যাবে না, প্লিজ। শুরু করে স্যার। यस श्योर স্যার। आप सभी को मैं वार एंड हीरोज गैलरी में स्वागत करता हूँ। मेरे पीछे फर्स्ट कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक 7 परमवीर चक्र और 36 महावीर चक्र है। इंडिया में टोटल 21 परमवीर चक्र और 219 महावीर चक्र, जिनमें से 7 परमवीर चक्र और 36 महावीर चक्र इस लेह लद्दाख रीजन में मिला है। आप लोगों के पीछे और मेरे आगे 1947 से लेकर 1971 तक जितनी भी वार हुआ था, वार जोन का फोटोग्राफ लगा हुआ है, आप उसको बाद में देख सकते हो। इस गैलरी के अंदर जो वेपन डिस्प्ले करके रखा है वो वेपन कैप्चर वेपन है, जो कि इंडियन आर्मी ने 1947 से लेकर 1991 के कारगिल वॉर में कैप्चर किया गया था, जिनमें से कुछ वेपन आप लोगों के लिए डिस्प्ले करके रखा है। यह एक टेरियन मॉडल, इस टेरियन मॉडल को इस पैनल के अंदर बनाने के लिए बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, जो कि आप लोगों को प्लेन रीजन से लेकर हाई अल्टीट्यूड माउंटेन रीजन सेचिन ग्लेशियर तक दिखाने के लिए और ब्रीफ करने के लिए। प्लेन रीजन में पड़ता है आपका JRK एंड पंजाब का एरिया, जिसमें उधमपुर, पठानकोट एंड बिलासपुर। प्लेन रीजन खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है माउंटेन रीजन, जो ग्रीन कलर का माउंटेन रीजन ये हिमाचल प्रदेश, जिसमें मनाली। हिमाचल प्रदेश का माउंटेन रीजन खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है हाई अल्टीट्यूड रीजन, जिसको हम बोलते हैं लेह एंड लद्दाख, जो कि अभी हम खड़े हैं लेह पर। इस पर आने का सिर्फ दो ही मेन रूट है, एक मनाली से होते हैं, दूसरा श्रीनगर जोजिला पास कारगिल बटालिक से होते हुए। इसके आगे जो रेड कलर की लाइन जा रही है यह NH1, और इसके साथ में जो ब्लू कलर की लाइन जा रही है यह है इंडस रिवर, जो कि चाइना से ओरिजिनेट हो गया थे, आने के बाद इंडिया से पीओके में इसको सिंधु रिवर कहलाती है। और आप लोगों ने एक बार नाम सुना होगा, जो कि संगम, जो कि इंडस रिवर और धनसकार रिवर मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं संगम। जो ग्रीन कलर का पार्ट ये है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान को लोग बोलते हैं आजाद कश्मीर। इसके आगे जो ग्रीन कलर की लाइन जा रही है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। आप लोगों को पता था जो 1999 का कारगिल वार हुआ था पटालिक कारगिल इस सेक्टर में, आप लोगों का 1999 का कारगिल वार हुआ था। जो सिल्वर कलर का माउंटेन रीजन ये है सेचिन ग्लेशियर, इसका लास्ट साइट है 33,000 फीट। यहाँ पर टेम्परेचर -40 से लेकर -50°C तक पहुँचता है। इस टेम्परेचर पर अभी भी हमारे देश का जवान देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। इसके आगे जो ब्लैक कलर की लाइन जा रही है ये LSC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि पेंगिंगसुल लेक को 200 मीटर बाद करती है। 70% चाइना की तरफ और 30% इंडिया की तरफ, टोटल 135 किलोमीटर में फैला हुआ है ये लेक। LSC के पास जो लास्ट विलेज हमारा पड़ता है जहाँ तक हम जा सकते हैं वो था हंगले विलेज से हंगले रिवर ओरिजिन होकर आगे आता है, आने के बाद इंडस रिवर में मिल जाता है। और LOC के पास जो लास्ट विलेज हमारा पड़ता है जहाँ तक हम जा सकते हैं वो टूटू से 10 किलोमीटर आगे थांग विलेज, जो कि इंडियन आर्मी ने 1971 के वॉर में कैप्चर किया गया था। इस एरिया में सिर्फ दो ही एयरपोर्ट है, एक लेह एयरपोर्ट, दूसरा प्रतापपुर, जो कि मिलिट्री बेसिस के लिए है। इस एरिया में सिर्फ दो ही डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह डिस्ट्रिक्ट, दूसरा कारगिल, जिसको हम ईस्टर्न लद्दाख और वेस्टर्न लद्दाख बोलते हैं। आप लोगों को बता दूं लेह डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट है गुजरात से कच्छ। थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद, भारत माता की जय। आज से सुनेगा प्लीज, शुरू करने से पहले एक दो बातें बताना न्यायाधीश जरूरी समझता हूँ, बता सकता हूँ? आप वीडियो बना सकते हैं, जूम करके वीडियो बनाइए, लेकिन उसमें मेरा फेस और ड्रेस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज के लिए मैं आपको, समझ गए सर? दूसरी बात, अपना वेट, अपना भार अपने पास रखिए, इसमें मत लाइए प्लीज, ध्यान सुनेगा। शुरू करने से पहले एक सर बोलेंगे भारत माता की, बाकी बोलेंगे जय, जोश में होना चाहिए। लास्ट ब्रीफिंग है, पाकिस्तान को पता चलना चाहिए
किस लद्दाख के हॉल ऑफ फेम के अंदर कुछ शेर और शेरनी प्लस उनके बच्चे भी इकट्ठा हो रखे, हो सकता है ये? यस। चलिए तो फिर शुरू कीजिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया जोश था, लेकिन आपको बता दूं आप सब इंडिया में रहते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा इंडिया में रहते हुए भी, फिर मैं बताता हूँ आज, सुन लेना। इंडिया में भारत माता की जय पॉकेट में हाथ डाल के या बांध के नहीं बोला करते, कैसे बोलते हैं? ऐसे। तो ऐसे ही चाहिए मेरे को, दोबारा बोल दीजिए। भारत माता की जय। तो अभी मैं आपको वार के बारे में बताऊंगा, ठीक है? ध्यान सुनिएगा, अगर आप मेरी बातें ध्यान और दिमाग से सुनेंगे तो मैं आप सभी को इस लड़ाई के मैदान में खड़ा करा सकता हूँ, इतना जोश है मेरे पास। आपके पास है? Yes! तो ध्यान सुनेगा प्लीज। सियाचिन कारगिल गैलरी में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये ट्रेन मॉडल है, इंडियन आर्मी ट्रेन मॉडल तब बनाती है जब कोई ऑपरेशन लॉन्च करना हो या फिर ऑपरेशन करने के बाद में किसी को डीब्रीफिंग देना हो, जैसे कि मैं आप सभी को दे रहा हूँ। ध्यान से सुनेगा प्लीज। जो इसमें रेड लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये रोड है, कोई कच्ची रोड और कुछ पक्के रोड जिसमें नेशनल हाईवे भी शामिल है। जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये रिवर है, कोई छोटे रिवर और कुछ बड़े रिवर। दो रिवर है चाइना से, इंडस रिवर और सिंगो रिवर, जो चाइना से होता हुआ इंडिया की तरफ आ रहा है। और एक आ रहा है लास्ट में पीओके से, सिख आला रिवर, जो पीओके से घूमता हुआ वो भी इंडिया की तरफ आ रहा है। रेड लेटर में कुछ एक नाम लिखे हुए रेड लेटर में, जैसे कुलतारी, गौन, मतियाल, बिजोट, मरोल, यह पीओके के कुछ एक गांव जो कि पीओके में वहां पे मौजूद है। जो एरो मेरी तरफ इंडिकेट कर रहा है वो एलओसी, एलओसी का मतलब पता है आप लोग को? लाइन ऑफ कंट्रोल। ये आवाज जोश में चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल। 1999 के वार से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट, एक समझौते में सिग्नेचर साइन हुए थे कि ज्यादा बर्फ पड़ते समय यानी विंटर्स के दौरान कोई भी सेनाओं पर पोस्टों पे नहीं जाएगी, ना इंडियन आर्मी और ना ही पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट के हिसाब से इंडियन आर्मी नीचे बेस में डाउन हो गया, एग्रीमेंट के हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान ने छुपते छुपाते धीरे धीरे हमारे कुछ एक पोस्ट ऑक्यूपाई करके रख लिए। जब हम एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस में डाउन हो चुके थे, वो पोस्ट कौन से आप देख सकते हैं? द्रास में 0.475 टाइगर हिल, 5140 टोलोलिंग, नेक्स्ट कारगिल में 5608 ककसार मजदास, और बटाली के कुछ एक सेक्टर जैसे चुपर हिल्स, मुंटो डालो, खालूपर और यल्दूर। अभी पाकिस्तान ने जितना ऑक्यूपाई करना था कर चुका, अभी इंडिया की बारी थी इसको रिकैप्चर करने के लिए, तो उसकी शुरुआत करी गई बटालिक सेक्टर से 2 मई को। कितने मई को? 1999 की वार की शुरुआत हुई थी 2 मई से, और उसका पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया था मुंटो टालो के पास 15 मई को, पहला ऑपरेशन। ऑपरेशन से पहले 2 मई को कैसे शुरुआत हुई, कैसे हमें पता चला कि पाकिस्तान ने हमारे सारे पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिए? तो ध्यान सुनेगा, बटालिक में चरवा था एक, जिसे बोलते भेड़ बकरी चराने वाला लोकल सिविल, जिसका नाम था ताशी नाम के। क्या था? ताशी नाम के। जब वो मुंटराल के पास अपनी भेड़ बकरी चराते चराते उसने कुछ एक लोगों की हरकत देखी, वहाँ पे 7 से 8 लोग पठानी सूट पहने हुए लंबे चौड़े वहाँ पे पत्थरों से बंकर बना रहे थे। जब उसने कंफर्म कर लिया कि जो बंकर बना रही है वो इंडियन आर्मी नहीं है, तो नीचे बटालिक में जाके उसने इंडियन आर्मी को इन्फॉर्मेशन दी, जो एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बैठी हुई थी। उनको बताया गया कि सर मैंने मोंटो डालो के पास कुछ एक लोगों की हरकत देखी है। ऐसा सुनने के बाद इंडियन आर्मी ने अपनी हरकत तेज कर दी। उन्होंने एक पेट्रोलिंग टीम बनाई जिसमें 1 अफसर 10 जवान शामिल थे, टोटल 11 जने की टीम, जिसमें कमांडर का नाम भी आपने सुना होगा, कैप्टन सौरभ कालिया साहब का नाम सुना है? हाँ जी। क्या सुना है? मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया बोला मैंने। क्या बोला? 11 वापस सर्च करने गए, लेकिन वो 11 के 11 वापस नहीं लौटे, वापस नहीं आए। जब नहीं आए तो वहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। सफेद सागर इसलिए बोला जाता है, वहाँ पे ज्यादा हाइट होने के कारण एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलके वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया, उसको सक्सेस बनाया। और पाकिस्तान ने जितने भी बटालिक सेक्टर के जगह जमीन पोस्ट को ऑक्यूपाई करके रखे थे हमारे, उसको रिकैप्चर कर लिया 4 के 4, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट दरास। दरास में टोलोलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक नेशनल हाईवे जा रहा है जो जिला दरास कारगिल ले लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर तक। अगर पाकिस्तान टोलोरिंग में कैप्चर कर लेता तो आज जहाँ पे हम सब लोग खड़े हैं वहाँ पे कौन होता? ऐसा होने देते हम लोग नहीं। इसलिए यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओपी विजय, जिसमें 0.475 टाइगर हिल, 5140 टोलोरिंग शामिल थे। आपने एक मूवी देखी होगी जो लेटेस्ट आई थी अभी,
कौन सी मूवी? उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा साहब भी शामिल हुए थे। उनको एक टास्क मिला होता कि 0.5140 रिकैप्चर करने का, और उन्होंने किया भी, और करने के बाद अपने सीनियर को एक 4 लाइन का छोटा मैसेज पास किया था। वो क्या था? उसके बाद उनको नेक्स्ट टास्क मिला 0.4875 को रिकैप्चर करने का। नेक्स्ट टास्क मिला, रिकैप्चर तो हुआ, लेकिन करते करते वहां पे वो शहीद हो गए। शहीद होने के बाद जो उनके साथ में बची हुई सेना थी, उन्होंने बाद में सारा का सारा ये रिकैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट कारगिल 5608 ककसार और मजदास में लास्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये ड्यूरेशन वॉर का 2 मई बटाली से शुरू हुआ था और 26 जुलाई जाके कारगिल में खत्म हुआ। पाकिस्तान ने जितने भी जगह जमीन पोस्ट को ऑक्यूपाई करके रखे थे हमारे, उसको रिकैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी को कम से कम 3 महीने का टाइम लगा। लेकिन इस 3 महीने के दौरान में सारा का सारा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहां से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले गया, इसीलिए इंडियन आर्मी 26 जुलाई को विजय दिवस मनाती है। इस देश की सीमा की रक्षा करते करते उन माओं के 527 शेरों ने बलिदान दिया। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। कोई सवाल डाउट? नहीं। হল অফ ফেমের ভেতরে আমি শুধুমাত্র এই দুটো ভিডিওই করেছিলাম। বাকি সব যে জিনিসগুলো ওখানে রাখা রয়েছে বা ডিসপ্লেতে রয়েছে, সেগুলো শুধুমাত্র স্টিল ছবি তুলেছিলাম। তো এই হচ্ছে হল অফ ফেমের ভেতরের যে জিনিসগুলো আর কি দেখা যায় বা সবার দেখার জন্য রাখা রয়েছে সেই জিনিসগুলো। হল অফ ফেম সম্পর্কে আমি আরও বিস্তারিত ডিটেলস বা তথ্যগুলো এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। আপনাদের যদি জানার প্রয়োজন থাকে তাহলে সেখানে গিয়ে পড়ে নিতে পারেন। হল অফ ফেমের আরও একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা, যেটা একদম হল অফ ফেমের পাশেই রয়েছে, সেটাকে বলছে শৌর্যস্থল। এখানে যুদ্ধে মারা যাওয়া সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে খুব সুন্দর একটা সিমেট্রি বানানো রয়েছে। এই ভিডিওটা শুধুমাত্র হল অফ ফেম নিয়েই বানানো হয়েছে। এরপর নেক্সট ভিডিওতে, এরপর আমরা যেখানে যেখানে গিয়েছিলাম সেগুলো নিয়ে আবার অন্য ভিডিও আপনাদের জন্য খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসব। ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।